दोस्तों हमारा डॉक्टर बेटिया के मिलना चाहिए इंसाफ। आप सामने वो ब्लॉग बनाएंगे धमाका लड़ाई की है, ब्लॉग में लड़ाई कर रहे हैं किसी के बारे, वो भी वीडियो देखता है और वो देखेगा तो उसको पता चलेगा क्या बोला है। आज हम दोस्तों डॉक्टर बेटिया के इंसाफ दिलाने लिए कि इंसाफ मिलना चाहिए, काहे कि हम कलकत्ता के नहीं हैं कि हम भी कैंडल हम भी रहते वहाँ कैंडल मार्च निकालते हैं, समझे। जिसका बेटी है वही बेटी के हाल जानता है, जिसका बेटी नहीं वो क्या जानेगा बेटी के हाल, क्या जानेगा बेटी के हाल। तो दोस्तों हमारा बेटी है डॉक्टर बेटी के इंसाफ मिल जाता है यही हम कहते हैं। आज संजीव घोष जो रे इतना बुरा हाल हो गया, उसका प्राइवेट पार्ट जो है उसका एकदम नस तोड़ दिया जाए, जैसे कि वो डॉक्टर बेटिया के अथी में जैसे प्राइवेट पार्ट में किया था वैसे होकर तोड़ दिया जाए, या जीवन नहीं लीजिए, जीवन एकदम नहीं लीजिए उसको। ऐसा बेरहमी कीजिए ना कि खुद अपने कलट कलट के मारेगा, उसका भी लगेगा कि हम इसको साथ बुरा किए हैं तो हमको बुरा फल मिल रहा है। दोस्तों आप कैसे हैं, आशा करते हैं आप अच्छी होंगे, आप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना काम में व्यस्त होंगे। हम भी आज व्यस्त हैं, हम भी आज सहल भी हैं, काम भी करके आए हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मेहंदी भी लगाए हैं, अभी 2 बज रहा है, मेहंदी लगाए हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों यही करना चाहते हैं कि देखिए छुट्टी तो नहीं मिलता है ब्लॉग देखने का, ज़्यादा ब्लॉग नहीं देखते हैं का है, जब छुट्टी मिलता है तब 3 चैनल है, तब 3 चैनल है तो वो ब्लॉग पर ओरा पर कभी वीडियो चढ़ाते हैं, कभी ओरा पर वीडियो, कभी उस पर वीडियो, तब वीडियो तो ब्लॉग देखने में मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब देख रहे हैं कई दिन से डॉक्टर के साथ जरूरत हुआ है, कई दिन से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आज दोस्तों आज देखे हैं जो रोमा काट गया है। आओ एक लेके समझिए कि डॉक्टर बेटी के इंसाफ मिल गया, अब मिल जाएगा, ऐसा होगा दोस्तों। देखिए जे संजीव घोष है जे यानी कि करवाया था, जैसे कि प्रिंसिपल है, जैसे कि देखिए दोस्तों ये घर है, ये घर के मेन मालिक हम हैं। अब यहाँ पर कोई चीज़ होगा, जैसे मेरा हस्बैंड जी अभी बाहर गए हैं, ये घर में भी कोई चीज़ होता है तो जिम्मेदार कौन हम हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि देखिए वो प्रिंसिपल था, वो अथी में था मतलब कि कॉलेज में था, तेहल्ला किसी चीज़ से उसका बोलैले बगैर, उसका कोई चीज़ जांच कैले उसका बगैर कैले कुछ तो नहीं हो सकता है बगैर ओकरा कैले। देखिए दोस्तों इतना बेरहमी, इतना बेरहमी, हमारा इतना रोना आता है, कभी कभी लगता है यानी कि लड़की के चाहे बाहर नहीं भेजना चाहिए, कैसे पढ़ाइएगा, कैसे कोई चीज़ सिखाइएगा, बहुत डर लगता है दोस्तों। क्या करें, ज़माना बहुत ख़राब है, अब आजकल के ऐसा ज़माना है कि देखिए बेचारी के साथ मतलब उसका माए बाप यानी कितना दुख करके पढ़ाया होगा, कितना उसका साथ में मतलब कि अथी हुआ हुआ दिक्कत सिक्कत, डॉक्टर बनाने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। आज डॉक्टर बना दिया, दुनिया से चले गया, और देखिए उसका ही बेरहमी किया है कि यानी कि उसका देह पर एगो कपड़ा नहीं था, इतना उदरिंदा कहाँ। दोस्तों इसी यही ब्लॉग पर आए हैं कुछ आप लोग के बताने के लिए, हम आप लोग के बताएंगे, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोग के हम बता रहे हैं दोस्तों कि संजीव वो जो मेन था वो पकड़ा गया है। आओ दोस्तों, और कल्लाय में देखे थे कि उसका बहुत मार पिटाई हुआ, यानी कि उसका कोर्ट में लाया गया है, समझिए हमला मचा दिया है चोर चोर करके, और 2-4 लोग मारा है उसका माथा पर बहुत अनी मारा है, लाइव में देखे हैं। और दोस्तों हम देखे हैं तो हमारा बहुत खुशी मिला उसका, जब माथा पर बजड़ रहा था, चोट बजड़ रहा था, हमको बहुत खुशी मिला। लेकिन डॉक्टर बेटिया चलते इतना रोना आ रहा है कि कुछ नहीं कह सकते, आज साल है 30 बरस चले हैं कि अति गुजर आज हम ही जान रहे हैं दोस्तों।